ग्राम पंचायत लहरा में राशन ना मिलने से परेशान ग्रामीणों ने रोड पर किया चक्का जाम। मामला ग्राम पंचायत लहरा का है, जहां ग्रामीणों को सासमैन द्वारा राशन नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने आज माता टीला बसई रोड पर 6 घंटे तक चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सासमैन राशन नहीं देता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण महिला रानी कोढ़ी ने बताया कि 4 महीने से राशन नहीं मिला है और सासमैन हम गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी करता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी सासमैन द्वारा राशन नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर आज ग्रामीणों ने 6 घंटे तक चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम की जानकारी जब अधिकारियों को मिली तो पिछोर एसडीएम एसडीओपी तहसीलदार थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी ग्रामीणों को समय पर राशन वितरण कराया जाएगा। इस तरह से एसडीएम एसडीओपी ने ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन पर ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानी कोली है। क्यों लगाया ये जाम? जाम इसलिए लगाया ना, 4 महीने से गल्ला नहीं मिल रहा है। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमें 4 महीने का गल्ला चाहना है और यहाँ की लहरा में जो नेता नगरी है उन्हें हटाया जाए। नेता नगरी ना होगी यहाँ अभी चंद, और यहाँ पे जो चौकी पे एक पुलिस वाला है उसके जरिए जो नेता नगरी करते हैं उन्हें भी वहाँ से हटवाया जाए। लहरा पंचायत में जो अन्याय करते हैं और जो नेता नगरी वाले जाते हैं उन्हें चक्कर कट्टा गल्ला देते हैं जनता का खा के, और जो यहाँ कल्याण लोधी है जो उसके पास है वो पूरा माल बेचता है।